हेलो 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 हेलो। कैसे ब्रो? सब आ जाओ। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सुनेआ। मैं तेरे होंठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सुनेआ। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, मैं सारे राज अपने तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर। हेलो 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 गाइस, मैं हूँ शहबाज, स्नेक वेनम लवर, और आप लोग देख रहे हैं शहबाजिस्तान। तो भाई, स्नेक वेनम लवर क्यों? आप लोग समझ रहे होगे एल्विश की वजह से ये सब। नहीं ब्रो, एल्विश तो भाई उसका करता है सीन सीन पार्ट करता है ब्रो एल्विश। ओ हाँ, नो इट्स फाइन। लेकिन भाई लवर क्यों हूँ मैं, वो तो आप सबको पता ही ब्रो, सबको पता ही है भाई। हेलो हेलो हेलो, कैसे सब? क्योंकि यू लव जिया। क्रिश भाई, क्रिश एक तू ही है इधर जो मेरे भाई दिल की बात समझता है, सिर्फ तू ही है क्रिश, तू ही है। कैसे हैं भाई? पहले से मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। आप लोग कैसे ब्रो? आप लोग कैसे हैं? हाँ ठीक है ब्रो। अब भाई, मैंने स्नेक वेनम लवर बता ही दी दिया, तुम लोग को बता दिया कि भाई बहुत है। तो भाई ये स्पेशली जिया ने ब्रो, जिया ने भाई मुझे भेजा। उसको पता चला जैसे ही कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे भाई फ्लू वगैरह है। तो भाई फ्लू हो, बुखार हो, फीवर हो, तो ये सब जितने भी भाई आपकी चेस्ट पेन है, आपके हार्ट पेन है, आपके वहाँ पे पेन है, जहाँ पे भी पेन है, ठीक है, ये भाई इलाज ये जिया ने भाई साहब, क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं उसको, हाँ, किस तुम लोगों ने में से किसी ने भाई पानी का गिलास तक नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा कि भाई ये खाना वो पीना ये सब, किसी ने कुछ नहीं पूछा। लेकिन भाई, लेकिन जिया ने भाई स्पेशली स्पेशली भाई मेरे लिए फ्रेश फ्रेश भाई साहब सांपों का जहर भेजा है, और उसको भाई साहब ड्राई करके उसका सुखा सुखू के कुछ बनाया है। ये सांपों के जहर की कोई दवा है भाई, ऊपर लिखा है, तुम लोग पढ़ सकते हो ये क्या है, पढ़ देना भाई क्या है, ठीक है। ये भाई, अब तुम लोग कहोगे ये कौन सी लैंग्वेज है, ये भाई सांपों की लैंग्वेज है। ये हैरी पॉटर पढ़ पाता है या जिया पढ़ पाती है? और मैं अभी ये सीख रहा हूँ, जिया से सीख रहा हूँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं जल्दी सीख जाऊँगा, टेंशन ही लेनी, ठीक है। तो उसने भाई मुझे बोला है कि भाई ये लो आप, ठीक है, इसको थोड़ा सा स्ले के, हाँ ऐसे ये सब करके, कैसे पढ़े उर्दू लैंग्वेज है। स्नेहा उर्दू नहीं है भाई, उर्दू उर्दू स्नेहा पागल है भाई। उर्दू और सांपों की लैंग्वेज में बहुत फर्क होता है भाई। वोल्डेमॉर्ट को बुलाऊं क्या? ठीक है, इसको भाई कप में लेना, ये ऐसे, ये ओ भाई ओल, ओहो क्या नज़ारे ब्रो, नज़ारे जिया की स्मेल। अरे क्या, छी छी ब्रो छी, ये क्या बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया। खैर भाई, कैसे हैं सब? आ जाओ यार, बातें करेंगे, आज चिल मारेंगे, ठीक है, कि दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी ओके, सारी बातें करेंगे, जाएंगे, क्योंकि आज मैं थोड़ा पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं। शिवाज भाई, क्या ट्यूटोरियल दे रहे हो, दवाई कैसे खानी चाहिए, उसका खा के आ जाते फिर ओवर एक्टिंग करते हो भाई। ओवर एक्टिंग बात, अब देखो मैं ओवर एक्टिंग क्यों ना करूँ भाई, मेरा क्रश कौन है, कौन है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद भाई? जिया पसंद होगी तो भाई ओवर एक्टिंग करेंगे ही ऐसे भाई, ओवर एक्टिंग भाई, ओवर ओवर एक्टिंग और जिया के बिना मेरा गुजारा नहीं है भाई, अपना गुजारा ही उसी के साथ है। अब कैसी है अंजलि? अरे भाई मुझे क्या पता अंजलि कैसी है ब्रो। खैर भाई, क्या सीन चल रहे हैं, क्या सीन चल रहे हैं मार्केट में? मार्केट में भाई सब लोग आया है, एलविश का इंटरव्यू आया जो कि मैंने देखा नहीं है, वो देखेंगे भाई बाद में, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा ही आया है। मनीषा का ब्लॉग भाई बहुत पुराना था जो कि भाई डाला है उसने, लेकिन हाँ एंटरटेनिंग था। ब्लॉग की एडिटिंग भाई मनीषा ने खुद की है, लेकिन एडिटिंग में एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी है, और क्या चीज़ वो बढ़िया लगी वो मैं आगे बताऊंगा कि भाई कौन सी चीज़ मुझे बेस्ट लगी है। और उसके अलावा भाई ठगेश वर्सेस वो दलाल चल रहा है, ठगेश और दलाल का चल रहा है। एलविश वापस भाई साहब मुनव्वर के ऊपर एक और उसने भाई साहब थोड़ा हल्का फुल्का करने की कोशिश की है, उस पर बात करेंगे, बात कर ही ना ले। आप जिया के लिए स्पेशल हैं, लाइट कह रही है, जिया मेरे लिए स्पेशल है, मैं जिया के लिए नहीं, जिया के लिए मैं बाकी तुम जैसा ही हूँ आम, लेकिन वो मेरे लिए स्ट्रॉबेरी है। सर दूसरे चैनल पे कब आएंगे? वीकेंड पे। आपको अभी शिपिंग करना चाहिए,
सुभाष भाई, शायद मनीषा थंबनेल बनाती है एडिटर से और बाकी खुद ही एडिट करती है। मुझे भी ये आजकल तो यही लग रहा है एडिटिंग देख के। अर्पित बाला भाई, अर्पित बाला ने भाई सबको रगड़ा है। बीच में मनीषा स्क्वाड, वो भाई फुकरा के फुकरेज, उसको पता नहीं पांडा गैंग उसे कहते हैं, मनीषा स्क्वाड को उसने भाई मनीषियंस बोला है। और उसके अलावा भाई ये एलविश, एलविश के जो फैंस है, एलविश आर्मी को सपेरे बोला है, एलविश के सपेरे। तो उसने भाई सबको रगड़ा है बीच में, और क्यों रगड़ा है वो भी बताऊंगा। उसने अच्छा खासा रोस्ट मारा है। पायल कैरी, शबाज भाई तेरे बिन टू कब आएगा? तेरे बिन वन क्या था? तेरे बिन वन क्या था जो टू आएगा? तेरे बिन तो ड्रामा है ब्रो, ये तो पाकिस्तानी ड्रामा आ रहा है कोई। भाई मैं डायरेक्टर थोड़ी, मुझे क्या पता कब क्या आएगा। भाई अब मैं पीने लगाऊं, जो भाई गिफ्ट आया स्पेशल मुंबई से ब्रो, गिफ्ट आया। अब भाई बच बचा गया तो ठीक है, वरना कुछ हो गया मुझे तो तुम लोग इधर भाई सबूत है ना सबके पास कि कहां से आया, क्या है, किसने दिया, क्यों दिया। ओके तो भाई ओके, थ्री टू बिस्मिल्लाह पढ़ दे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डैम डैम ब्रो, भाई साहब अब मुझे समझ आई भाई इसकी डिमांड इतनी क्यों है, क्यों है भाई ये सांपों के जहर की इतनी डिमांड क्ययों है। और एलविश क्यों भाई साहब इसका धंधा नहीं किया, भाई नहीं किया फिर ना पीछे पड़ जाना ब्रो कि एलविश नहीं है भाई, कसूरवार नहीं है। ठीक है अब आ जाओ भाई, बात कहाँ से शुरू करें, बात शुरू करते हैं भाई ब्लॉग के एंड पे बात करते हैं, ब्लॉग की बात एंड पे करते हैं भाई। नया नया हैशटैग एक मार्केट में उतरने वाला है, और वो हैशटैग होगा भाई साहब विशानिया। विशानिया हैशटैग भाई मार्केट में उतरने वाला है, और ये भाई जो शिप होगा, ये जो शिप उतरेगा, सारे शिप डूब गए हैं। कौन कौन सा शिप डूब गया भाई साहब? वो एलविशा शिप, ये डूब गया। उसके अलावा भजिया शिप, ये डूब गया। अभिशा शिप, अभिशा शिप के तो भाई साहब इधर डूब गया, आर पार हो गया ब्रो, जो भी होना था उसका भाई साहब बहन भाई वाला सीन हो गया। दोस्ती है ठीक है, अच्छी बात चल रहा है। उसके बाद फलक का और उसका था अविनाश का, उन दोनों ने भाई आज एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, वो भी भाई लेने के देने पड़ गए। लेकिन जो भाई विशानिया शिप उतर रहा है, ये भाई समुंदर में एक बार उतर गया तो समुंदर पर राज करेगा विशानिया शिप। बॉलीवुड पर राज कौन कर रहा है? सबको पता ना बॉलीवुड पर राज कर रहा है शाहरुख खान, ठीक है ना भाई। शाहरुख खान ही की बात कर रहा हूँ मैं, शाहरुख खान ब्रो, शाहरुख खान और काजोल। शाहरुख खान को उसकी काजोल मिल चुकी है जिसका नाम है भाई तानिया, और इसकी भाई साहब शिपिंग बढ़ बढ़ के इधर उधर भाई साहब पानी डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, क्योंकि समुंदर अभी खाली है, सूखा पड़ा है समुंदर। तो भाई साहब अभी समुंदर बना रहे हैं, तो शिप अभी तैयार हो रहा है, जैसे ही शिप तैयार होगा तो भाई साहब विशानिया अंदर, विशानिया अंदर ब्रो, हैवी टच आएगा इसका। उमाशंकर कौन सी गाली सुनना पसंद करोगे? उमाशंकर को बहन की गाली सुनना बहुत पसंद। भाई मेरे मुंह से निकल गए ब्रो, मुंह से ले यार, इसमें कुछ तो है ब्रो, कुछ तो है जो मेरे मुंह से ये सब चीजें निकल रही हैं। अच्छा ओ अब सब गाली ना देने लग जाना मुझे, मुझे कोई गाना आज बस नहीं करूंगा, दिल टूट गया, दिल से कहा अपने भाई ने, दर्द बताया उसने। अच्छा ओके ब्रो ओके। अर्पित बाला के चक्कर क्या है, आपने ये क्यों कहा? बताता हूँ आगे, बताता हूँ सब, बताता हूँ भाई अर्पित बाला का भी बताता हूँ। पहले बात करते हैं भाई ठगेश का कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है भाई? वो लफड़ा सेंटर करके कुछ आ रहा था, और ठगेश और दलाल भाई फिर एक दूसरे को स्टोरियों पे लगे हुए हैं भाई, तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, इस हीरो का नाम बताओ, ये हीरो कौन है, ये हीरो रहता कहाँ है, इसकी लोकेशन बताओ, ये सब मत कर। दलाल कह रहा कहता मैं लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहता, लाइव वाले लफड़ों में। दलाल कह रहा है कि मैं लाइव वाले लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहता, रजत दलाल, वो भाई इंस्टाग्राम डॉन। अब भाई वो उसका शो आना ठगेश का, तो मुझे लग रहा है कि ये भाई सब सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी प्रमोशन चल रही है अपने शो की। तो आई होप जब शो आए तो थोड़ा अच्छा हो, और दलाल एज अ गेस्ट आए, एज अ गेस्ट आए। ठगेश रोज वीडियो डाला है इसलिए रजत गेस्ट है, वो गुस्सा है नहीं है भाई, गेस्ट है, गुस्सा नहीं है ब्रो, उसने एज अ गेस्ट आना। मनीषा ने भाई साहब एक सैड स्टोरी लगाई है, ठीक है, जो तुम्हारा जितना है तुम भी उसके उतने रहो, ज्यादा दिल की गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। ये भाई साहब मनीषा ने लगाया है, और भाई बहुत लोग, मनीषा को क्या हो गया, मनीषा अभिषेक को याद कर रही है, अभिषेक ने उसकी वैल्यू नहीं की। ये भाई अभिषा वाले कुछ बोल रहे हैं, एलविशा वाले बोल रहे हैं ब्रो, एलविश की वजह से मनीषा दुखी है,
एल्विश ने भाई ऐसा सब किया है, मनीषा हर्ट हो गई है, मनीषा तो ये सब एक्सपेक्ट नहीं थी करती एल्विश से कि एल्विश ऐसा करेगा वो करेगा, भाई इस तरह के नज़ारे चल रहे हैं। और मनीषा स्क्वाड कह रही है मनीषा बहुत अलोन फील कर रही है, हम प्रे करते हैं मनीषा को कोई ना कोई मिले जो उसे प्यार करे ये। अरे भाई किसी को कोई कुछ नहीं चाहिए, अकेले रहो, मस्त रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो ब्रो। अकेले रहने में जो मज़ा है ना वो भाई किसी के साथ रहने में मज़ा नहीं है। किसी के साथ रहोगे भाई साहब लेनी देनी कर देगा आपकी, लेनी देनी कर देगा, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ये क्या, वो क्या, उधर क्यों जा रहा है, इधर ऐसे क्यों बोला, उधर वैसे क्यों बोला। अभी भाई फैंस है, फैंस ही इतनी बस रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि मनीषा ने वो डायलॉग वहां पर कैसे बोल दिया, मनीषा ने यहाँ पे एडिटिंग कैसे कर दी, मनीषा ने मेरे चैनल पर इंटरव्यू क्यों नहीं दिया, ये सब भाई अभी फैंस ही इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं ना। कोई बॉयफ्रेंड आ गया, कोई भाई साहब बंदा आ गया, कोई ये आ गया, वो आ गया, तो भाई इस पर क्या ही आगे बचेगा। कोई इधर कह रहा है टोनी ने कभी आज तक मनीषा से कोई डिमांड, अरे भाई टोनी कहाँ से आ गया, टोनी कहाँ से आ गया। कोई कह रहा मुनव्वर और जिया का हैशटैग, ओके ठीक है भाई, ओके सही है ब्रो, सही है उसका भी हैशटैग, सही है, सही चल रहा ब्रो, सही चल रहा। लेकिन यार मुझे ये बताओ फलक ने और उसने अविनाश ने एक दूसरे को अनफॉलो क्यों कर दिया, ये तो भाई नहीं था। मुझे रियल बॉन्ड को ही लगा ना उधर का, तो भाई इन दोनों का ही लगा। लेकिन भाई रियल बॉन्ड जो बिग बॉस ओटीटी का है, जो एक भाई इकलौता रियल बॉन्ड है जो अभी तक बचा हुआ है, उसको किसी की नजर नहीं लगी और ना ही लोगों की नजरों में आया, वो मैं बताता हूँ 1-2 मिनट बाद, 1-2 मिनट बाद बताता हूँ। अब भाई बात करते हैं अर्पित बाला की, अर्पित बाला, अर्पित बाला ब्रो, अर्पित बाला इसका आपको पता ही होगा भाई, अच्छा खासा कंटेंट क्रिएटर है ब्रो, सही है, ब्लंट जो भी बोलता है भाई ऐसे ऐसे बोलता है, किसी का नहीं देखता सामने कौन है, कौन है, किसके बारे में बोल रहा। नहीं, इसका भाई साहब फेक अकाउंट बना इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। अब वो भाई फेक अकाउंट कुछ भी लिख देता है, कुछ भी लिख देता है, उसने भाई साहब मनीषा स्क्वाड के बारे में लिखना शुरू कर दिया। अब भाई मनीषा स्क्वाड वालों को पता भी है कि ये भाई फेक अकाउंट है, जानबूझ के भाई साहब इसके पीछे पड़ गए और इसको भाई साहब यूट्यूब पे भी इसके आके गालियाँ, इसके यूट्यूब पे आके गालियाँ, इधर उधर आके कुछ ना लिखना शुरू कर दिया उल्टा पुल्टा, ठीक है, जो कि ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी। अच्छा लाइट कह रही है आप बोलो ना रानी मैं हूँ ना, अच्छा लाइट मेरा दिल कर रहा है लाइटें कमरे की बंद कर दूं, अगर लाइट ये पढ़नी है तो कि मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो उधर एक बार मैं नहीं हूं ना। अच्छा ओके, तो भाई फालतू में ये सारा सीन हुआ अर्पित बाला के साथ, अर्पित बाला भाई आ गया लाइव उधर बीच में ही, जब वो सारा सीन चल रहा ना मनीषा स्क्वाड वाला, बीच में भाई एलविश आर्मी घुस गई, भाई साहब फुकरा फुकरा गैंग पांडा गैंग वो भी भाई बीच में घुस गए सारे, भाई साहब वो हलवा बना हुआ है, पूरा हलवा बना हुआ है, और फेक अकाउंट को भाई ट्रोल कर रहे हैं, फेक अकाउंट अर्पित बाला को ट्रोल कर रहे, ये बंदा आ गया भाई लाइव, इसको पता नहीं किस फैंडम का नाम क्या है, कुछ भी नहीं पता इसने, भाई साहब आके खुद ही नाम, ये जो भाई मनीषा के मनीषियंस कहता है इनमें इतनी भी अकल नहीं है कि भाई वो दे चेक भी कर लें कि भाई फेक अकाउंट है, किसी ने भाई फेक अकाउंट बना के किसी सेलिब्रिटी का ये इनको ट्रोल करने लग जाए, ये भाई उस फेक अकाउंट को ट्रोल करने लग जाते हैं, उस फेक अकाउंट को ट्रोल करने लग जाते हैं, कहता है ये दिन आ गए, कहता भाई ये जो एल्विश के सपेरे हैं इनका क्या है भाई, एलविश के सपेरे ही बोलेंगे सपेरे, और फुकरा के फुकरेज, फुकरेज हाँ फुकरेज, तो भाई कहता मेरे अर्पित बाला के अर्पित बॉल्स, वेयर आर अर्पित बॉल्स, अर्पित बॉल्स भी लेके आओ भाई। इस तरह इसने ट्रोल किया है तीनों को। अब भाई इधर गलती तीनों फैंडम की ही है, ठीक है, मनीषा स्क्वाड की भी है, ये भाई पांडा गैंग की भी है, और उसकी भी है एलविश आर्मी की, कि भाई जबरदस्ती क्यों घुसते हो उस चीज में, जब पता है कि भाई एक फेक बंदा लगा हुआ है, फेक अकाउंट है, तो उसको जाके भाई उंगली करने की क्या जरूरत है। उसने आके भाई लाइव आके तीनों को रगड़ दिया, तीनों भाई साहब फैंडम को, मनीषा स्क्वाड को मनीषियंस बना दिया है, एलविश के सपे, एलविश की तो पहले भी उसने लेनी देनी की है, वो तो जाहिल बोलता है एलविश को, एलविश को जाहिल बोलता है। जाहिल से मुझे याद आया भाई एक ज़रूरी चीज़ यार, भाई ये आईपीएल वगैरह सब स्टार्ट हुआ पड़ा है, हर बंदा सट्टे प्रमोट कर रहा है, हर बंदा सट्टे प्रमोट कर रहा है, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी, ठीक है, ज़्यादातर ज़्यादातर ठीक है सट्टे वाले ऐप्स प्रमोट कर रहा है कि भाई इस पे पैसा लगाएं, प्रेडिक्ट करें ये जीतेगा वो जीतेगा, ये भाई सरासर अपने फैंस को, लोग कहते हैं ना कि भाई हम अपने फैंस से बहुत प्यार करते हैं, हम अपने फैंस की वजह से ही ये सब चीज़ें बने हैं, नो डाउट, मनीषा भी कहती है, अभिषेक भी कहता है, अलविश सब कहते हैं, ठीक है, लेकिन भाई मनीषा भी ये ऐप प्रमोट करती है, जो कि भाई मुझे सही नहीं लगता, सही नहीं लगता। आपकी जो ऑडियंस है वो बेवकूफ़ बनती है, उनमें से कुछ अगर इतने देख रहे हैं, लाखों की तादाद में देख रहे हैं, तो 5,000 भी जाके उधर अपना पैसा लगाए, तो 5,000 का पैसा तो वेस्ट हो रहा है ना, 5,000 बंदों का पैसा वेस्ट हो रहा है। तो वो अगर आप कह रहे हो कि भाई आप इतना अपने फैंस की केयर करते हो, तो भाई ये चीज़ तो मत करो यार। आई नो वो अच्छा पैसा देते होंगे, नो डाउट देते होंगे, लेकिन भाई जहाँ पे आपको कह रहे हो ना कि इतनी भाई क्लोजनेस है, तो भाई ये मत करो। अभिषेक भी करता है भाई इस तरह के ऐप्स प्रमोट, मनीषा भी करती है, एलविश भी करते हैं, बाकी और भी लोग करते होंगे, पर ये चीज़ भाई नहीं करनी चाहिए। ऊपर से स्क्रीनशॉट्स लगाते हैं कि हम स्क्रीनशॉट्स आए, ये भाई पीछे से टीम की साइड से आया होता है कि ये देखो भाई फैंस के मैसेजेस आ रहे हैं कि हाँ हमने इतना पैसा लगाया, इतना वापस आया, ऐसा नहीं होता भाई।
हर बंदा अपना पैसा बचा के रखे, और भाई इन चीज़ों में मत डालो, तुम इन चीज़ों में मत डालो, कोई मेहनत का काम करो, उधर जाके ना पैसा लगाओ। लाइट कह रही है कर दो लाइट ऑफ, रोशनी है ना। ओके भाई बहुत बढ़िया ब्रो, बहुत बढ़िया, सही जा रहा है। एलविश भाई सब क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए। एलविश भाई कहता अब मैं भी भाई छक्के पे लूंगा, मुनव्वर जैसे यूएसए। छक्के से याद आया, छक्के से भाई साहब एलविश व्लॉग कर रहा है, जा रहा गाड़ी में, साथ एक बंदा बैठा हुआ है, तो एलविश भाई बोल रहा है बिग बॉस विनर्स के बारे में। क्या यार विनर्स का ना कुछ तो है भाई। एक मिनट, नहीं सारा ब्लेम मनीषा पे डाल दो, आज तक उसी पे डाला है तो आज भी डाल दो। सब आकर बोलते हैं मनीषा नहीं बोलती, डाल दो, नॉनसेंस। कामना, कामना जैसी औरतें होती हैं जिनको भाई साहब सच सुनने में इनको बहुत दिक्कत होती है, इनको ये नहीं समझ आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ कि गरीबों का पैसा वेस्ट हो जाएगा ये सब चीज़ें, पर नहीं, कामना कहती भाई सट्टा ऐप प्रमोट कर रहे हैं तो भाई करें, गरीबों का पैसा बर्बाद हो रहा है तो हो रहे। तो कामना जो कि नॉनसेंस बोल रही है हमारी बात को, तो इनकी खुद ही सेंस हमें दिख रही है इनके कमेंट से कि गरीबों का पैसा गया तेल लेने। भाई अंधभक्त, अंधभक्त, अंधभक्त। अच्छा हम कहाँ थे, खैर इनको छोड़ते हैं, इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, निब्बे निब्बियों पे भाई साहब कोई फ़ायदा नहीं ब्रो। ठीक है आगे, तो भाई व्लॉग के बारे में एलविश बोल रहा कि भाई बिग बॉस विनर्स बहुत खतरे में है, ये जो जो भी जीतता है उनका हो जाता है। तो साथ में एक बंदा बैठा होता है वो कहता हमारा क्या भाई, हमने तो पॉपकॉर्न खाना है। ठीक है हमने तो पॉपकॉर्न खाना। अच्छा कामना ने मुझे नहीं था बोला, ओके कामना मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ। ओके अच्छा ठीक है यार, नाम लिखा करो यार, ऐसे जब बोलते फिर अभी मैं किसी बीच में रगड़ दूंगा, फायदा कोई नहीं। तो भाई साथ वाले कहता है भाई हम तो पॉपकॉर्न खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो भाई इतना भी आपको उस चीज़ पे कोई लेने का नहीं बनता कि भाई मुनव्वर को रेड में उठा लिया, ये कर लिया, वो उठाया नहीं गया, नकली एडिट्स बन के भाई सब उसको गिरफ्तार किया गया, जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं वो भाई ओनर के साथ बातचीत हुई थी, जो कैफ़े का ओनर था, हुक्का बार का ओनर था, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इस पर अगर आपको पॉपकॉर्न खाना भी है तो भाई आप खा सकते हैं, लेकिन एलविश को फिर आके ये सब चीज़ें बोलने के बाद फिर ये कहना कि भाई मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता, मैं तो कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन ब्लॉग में आपने उस चीज़ का भाई हल्की सी चिंगारी साथ वाले को डाल के ले ली, तो मेरे ख्याल में बनता नहीं था। और फिर लोग आके पूछते हैं कि भाई किसकी हाइप ज़्यादा है, एलविश की हाइप ज़्यादा, मनीषा की ज़्यादा, फुकरा की ज़्यादा। जब मैं लिखता हूँ कि भाई कंट्रोवर्सीज वाली चीज़ें निकाल दो तो मनीषा की हाइप ज़्यादा, अगर भाई ऐड कर दो कंट्रोवर्सीज वाली चीज़ें तो फिर एलविश की ज़्यादा हाइप। लेकिन फिर भाई कहते कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें क्यों, तो भाई कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें होती भी तो है ना, कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें होती हैं तभी तो फिर कहते हैं ना बिना कंट्रोवर्सी के भाई हाइप रख के दिखाओ। मनीषा क्या कर रही है ब्रो, कौन सी कंट्रोवर्सी की है, इतने पिछले जब से बिग बॉस खत्म कोई कंट्रोवर्सी की है एक भी? मुंबई में मनीषा का भाई सांपों का धंधा है, उधर भाई ये है मनीषा का, मनीषा ने भाई वो कर दिया, मनीषा वो कोई कुछ भी नहीं किया, लेकिन अभी तक टॉप पे। एनबीएस कह रहा है आई डोंट लाइक मुनव्वर, मुनव्वर की भाई सब हज़ार खामियां होंगी, हज़ार खामियां होंगी मुनव्वर की, बाकी इन चीज़ों से तो भाई वो थोड़ा ना सही है, और हज़ार खामियां हैं भाई। मेरा 10 रुपीज लॉस हो गया आज का, कुरकुरे खा नहीं पाया। उमा शंकर कह रहा है कोई बात नहीं ब्रो, 10 रुपये तुझे कोई दे देगा। रिंचन कह रही है मनीषा ऑलवेज हैंडल हेटर्स ग्रेसफुली, मनीषा रिस्पॉन्स ही नहीं देती हेटर्स को, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है। ट्विटर पे है नहीं, ट्विटर पे फुल नेगेटिविटी है, ट्विटर पे आप जाओ आपके दिमाग की लेनी देनी हो जाएगी, ट्विटर पे भाई फुल नेगेटिविटी है। तो मनीषा ट्विटर से दूर रहती है तो भाई ये सब चीज़ें देखती नहीं है। इंस्टा पे कोई कमेंट्स आए तो भाई मुझे नहीं लगता मनीषा के पास इतना टाइम है कि कमेंट चेक करें, क्योंकि अपने व्लॉग्स की भी एडिटिंग वो खुद कर रही है, खुद कर रही है व्लॉग्स की एडिटिंग, जो कि भाई ठीक है कर रही है तो भाई कर रही है। उस मुझे तो एडिटिंग में एक चीज़ बहुत मस्त लगी तो वो भाई आगे बात करेंगे। ठीक है अब भाई ये चेक करो ब्रो, एक चीज दिखाता हूँ तुम लोग को, किधर है भाई, किधर है, किधर है, किधर है? ओके ब्रो ये देखी किसी ने पिक्चर, ये भाई ये फैमिली पिक्चर में साथ भाई एडिटर, एडिटर भाई साहब उसने निशा को ऐड कर दिया, दिया था कि भाई एक पर्सन मिसिंग है, फैमिली का एक मेंबर मिसिंग है। एक मिनट रुको, अब आगे बात ठीक, नहीं आ रही। हेलो 3 2 3 2 1 1 2 3 1 2 3 अब भी खराब है, आवाज कट रही है, कट रही है, कट रही है ब्रो। एक मिनट रुको, आवाज बफ हो रहा, हेलो अब
अब आ रही कि नहीं? बीबी कट रही है ब्रो, साउंड ही नहीं आ रहा। अबे क्या बात कर रहे हो, साउंड ही नहीं आ रहा। यार सेम प्रॉब्लम। अच्छा रुको, फिर लाइट कह रही है हेडफोन खराब है यार। हाँ लाइट तुमने नजर लगा दी। हाँ जी, अब बताओ भाई, अब ठीक है कि नहीं? अब फाइनल बोलते हैं ठीक है कि नहीं, नहीं तो उतार के भाई से फेंक देते हैं। चलो इसी बहाने मुझे टाइम तो मिल गया चाय पीने का। आया आया, कौन आया? जिया ने कैसा हेडफोन दिया भाई, शुक्र करो इसमें कुछ नहीं है। शुक्र करो भाई इसमें कुछ नहीं है। वॉइस आया। ओके अब ठीक है। हम किधर थे ब्रो, किधर थे? अब भाई बताओ किधर थे, किधर थे? मुझे मुझे भुला दिया तुम। हाँ, इधर थे, इधर थे, इधर थे, इधर इस चीज़ पे थे ब्रो, इस चीज़ पे। अब इस चीज़ पे क्या चाहते हो तुम लोग ब्रो, क्या चाहते हो? कह रहे बार बार नहा दिखाए ये पिक्चर। अब ठीक है ब्रो, अब आवाज आ रही है? अब मुझे बता दो आवाज आ रही कि नहीं आ रही। अब आ रही होगी लेकिन थोड़ी कम आ रही होगी। एल्विश न्यू इंटरव्यू, ठीक है। भाई मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ओके मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ब्रो, मैं जा रहा हूँ। ब्लॉग ब्लॉग लगता है आज रह जाएगा, ब्लॉग मुझे लगता है आज रह जाएगा, क्योंकि भाई नहीं जानी आवाज, नहीं जाने। छोटा बच्चा आ गया, किसका छोटा बच्चा आ गया? अच्छा भाई ये पिक्चर देखी किसी ने भाई, वो एडिटिंग वगैरह की है, जोक की लेनी देनी कर दी, जो मैंने जोक भाई बोलना था, ठीक है, जोक की लेनी देनी कर दी। बाथरूम में क्या साउंड प्रूफ है? बाथरूम बिल्कुल साउंड प्रूफ है, बाथरूम बहुत चीजों से प्रूफ है। यार सही है ब्रो, सही है, छोड़ो यार उस चीज को छोड़ो। तो भाई इधर ये था कि एलविशा वाले जो एडिटिंग बनाते हैं, मस्त एडिटिंग बनाते हैं, मस्त एडिटिंग बनाते हैं। मनीषा का व्लॉग आया, उसमें व्लॉग में भाई एक सीन था जहाँ पे भाई उसको ना पूछती है अपनी, क्या नाम है उसका, एयर होस्टेस, एयर होस्टेस को पूछती है कि आप बहुत प्यारी हैं, कि आप बहुत प्यारी हैं तो आप कहाँ से हैं? वो कहती भाई मैं हरियाणा से हूँ। तो मनीषा कहती है कि हरियाणा के लोग बहुत प्यारे होते हैं। तो भाई वो क्लिप कट करके एलविशा वालों ने लगा लिया कि भाई हरियाणा से तो एलविश भी है, हरियाणा का छोरा, गच गच, पता नहीं इस तरह का गाना था एलविश का। तो भाई ये मनीषा ने इनडायरेक्टली एलविश के लिए बोला, प्यार का इजहार कर रहा है, ठीक है। अब कट टू आते हैं एलविश पे, एलविश गया भाई उधर प्लेग्राउंड में, ठीक है, प्लेग्राउंड का वो जो भी चल रहा है, शूटिंग चल रही है, वहां पे भाई एलविश से पूछा जाता है कि अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो आप भाई क्या बनते? तो कहता मैं भाई लव गुरु बनता। वो क्लिप काटा है और साथ ही मनीषा का भाई कोई क्लिप उसका ओटीटी का काट के वो भाई साथ में जोड़ के उधर भी लिखा हुआ है कि मनीषा क्या बोलती है उधर भाई, कि मैं तो भाई लव गुरु हूँ, मैं तो लव गुरु भाई। भाई भाई पीस और एल यार आवाज अभी भी नहीं आ रही तुम लोगों को? अपनी नहीं है एयर होस्टेस, अरे किसकी है फिर एयर होस्टेस, किसकी है? एलविश अच्छी तरह से हैंडल करता है ऐसे जोक, ठीक है, ओके सही है। अब भाई बात करते हैं इकलौता शिप, जो इकलौता शिप है ना भाई, इकलौता शिप है वो भाई, शिप ये वाला, ये वाला शिप ब्रो। मनीषा एलविश एक दूसरे को अनफॉलो, अभिषेक और भाई मनीषा एक दूसरे को भाई इंटरव्यूज में, बहन भाई ये दोस्त गाना आएगा नहीं आएगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उधर भाई क्या नाम है, अविनाश, फलक एक दूसरे को अनफॉलो, अभिषेक, जिया एक दूसरे को अनफॉलो, रह गया भाई साहब पूजा भट्ट और एलविश।
पूजा भट्ट के भाई फैन पेजेस जो भाई पूजा की रील्स बना बना के डाल रहे हैं, पूजा की भाई साहब पिक्चर्स लगा रहे हैं, एलविश भाई साहब उन फैन पेजेस के अंदर घुस घुस के उनकी भाई साहब वीडियोस लाइक कर रहे हैं, प्यार की शिद्दत चेक कर रहे हो भाई। तो भाई ये जो सच्चा प्यार है ना, सच्चा प्यार है, इसका क्या बनेगा भाई? एलविश और पूजा का क्या बनेगा? वो वाला क्या होता है क्या? अरे यार क्या था वो, पूविश, काव्या कह रही है पूविश भाई साहब, काव्या ने नया नाम ही जोड़ दिया पूविश का। तो भाई ये पूविश शिप जो है, एक है शिप विशानिया और एक है पूविश, भाई ये शिप जाएंगे अंदर और अंदर जाके भाई साहब सिस्टम ऑन टॉप होगा ब्रो। सुष्टि कह रही है हेडफोन हटा दीजिए, अरे भाई हटा दिया है, उधर से मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है अब भाई क्या चीज़ है, अब भाई आते हैं मनीषा के ब्लॉग पे। ठीक है मनीषा के ब्लॉग भाई साहब, ब्लॉग है कोई हफ्ता डेढ़ हफ्ता पुराना, जब भाई वो बिहार गई थी मनीषा। ठीक है अब भाई बिहार गई है, उधर से उसने भाई साहब कहाँ से जाना था, जमालपुर से भाई हैदराबाद, क्योंकि भाई कोई मीटिंग पड़ गई, कोई एमरजेंसी टाइप चीज़ थी, वहाँ पे भाई वो चले गई उधर। ठीक है पहले ट्रेन के थ्रू गई, ठीक है ट्रेन में भाई अलग कंपार्टमेंट लिया, उधर सारे बैठे हैं भाई, एक साथ बॉडीगार्ड भी लेके गई भाई, ये बात मुझे सही लगी कि भाई बॉडीगार्ड लेके जा रही है, वो बॉडीगार्ड ही था ना मैंने अगर सुना हो, क्योंकि साउंड का बीच बीच में हल्का फुल्का रोला उसका भी आ रहा था, जैसे मेरा आता। ठीक है भाई अरिजीत सिंह आया है लाइव में, अरिजीत को बोलो जाए, हमारा अभी दुखी होने का कोई मूड नहीं है ब्रो, दुखी होने का मूड नहीं है। रंजन दे यार बोलिया, सुन ले पुकार बोलिया, तू ही तो यार बोलिया, हाफिज मेरा मुर्शिद मेरा, ठीक है देख लिया तुमने, ओके ब्रो, हाय लेट हो गया भाई। शिवाज भाई वो कार ड्राइवर है पर उसके साथ, यस बॉडीगार्ड ही था, उसके साथ ही रखती है। तो भाई उसने तो बॉडीगार्ड बोला कि इसको भाई मैं एज अ बॉडीगार्ड लेके जा रही हूँ, तो भाई साहब बॉडीगार्ड को लेके भाई साहब ट्रेन में बिठा के ले गए, बॉडीगार्ड भाई शूट कर रहा है। मनीषा बता रही है हरियाली के बारे में कि भाई ये हरियाली, अब हरियाली का उसने मनीषा ने भाई 3-4 बार बोल दिया कि हरियाली बहुत अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है, ये घास, ये पौधे, ये दरख्त, ये पहाड़, काली पहाड़, और फिर भाई वही हरियाली बहुत खूबसूरत लगती है, पहाड़, दरख्त, पौधे। मैंने कहा मनीषा ने 2-3 बार ये रिपीट कर दिया, उसको पता भी नहीं लगा, लेकिन भाई थोड़ा वो कंटेंट बनाने के लिए उसने भाई वो चीज़ बोल दी। ठीक है ट्रेन वाला सिस्टम भाई साहब सही है, ठीक है ओके। अब भाई आगे चढ़ते हैं भाई फ्लाइट पे, ट्रेन से भाई आगे जाना उधर फ्लाइट पे कहाँ आगे, एक इवेंट जाना था, पता नहीं कौन सी प्रेसिडेंट थी, मुझे उस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू, मैंने लिखा हुआ ब्रो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है उसके बाद भाई फ्लाइट में बैठे हैं तो भाई साथ जो बॉडीगार्ड था उसके भाई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, वो फ्लाइट में भाई कभी बैठा नहीं, तो मनीषा भाई विंडो सीट पर बैठ गई, तो उसको कहती कि आप इधर आ जाए, मनीषा ने भाई साहब उसको बैठाया कि हाँ मैं तो भाई बहुत दफ़ा मैं बैठ चुकी हूँ, तो आप भाई विंडो सीट के मज़े लीजिए, ये सारा सीन हुआ। उसके बाद भाई उसको कह रही कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, भाई ऐसे मोबाइल पकड़ के वो बोल रहा है, कुछ आवाज़ नहीं आ रही भाई, वो बोल रहा है पूरा लेकिन भाई नहीं आवाज़ आ रही, वहाँ पे एडिटिंग का इशू। मनीषा को एक चीज़ करनी चाहिए, ठीक है मनीषा के पास खुला पैसा है, मेरी तरह नहीं है, जिसने भाई माइक भी उससे मांगा है, किससे मांगा है, माइक मांगा है जिया से। ठीक है अब भाई एक माइक लेके ना, क्योंकि मनीषा ब्लॉगिंग तो करती है, वीकली एक ब्लॉग दो ब्लॉग तो आता है, और माइक भी इसके पास पड़े हुए हैं, मनीषा के पास माइक पड़े हैं, जस्ट ये है कि भाई जब भी ब्लॉगिंग कर रही है कॉलर पे लगा ले, आवाज़ अच्छी आएगी, ताकि कोई दूर से भी बना रहा है तो भाई आवाज़ सही से आएगी, बढ़िया आएगी। ठीक है ये सारा सीन था। उसके बाद भाई एयर होस्टेस आती हैं, 2-3 एयर होस्टेस हैं भाई, वो मनीषा जी हम आपकी फैन, ये क्या ब्रो, ये कहाँ से सीखा मैंने, का ओह ये तो उससे सीखा, अच्छा जी शिवाज जी कोई कुछ भी करे गलती मनीषा की कैसे हो जाती है लोगों की नज़रों में, क्योंकि भाई साहब मनीषा ने इनके घर के खर्चे उठाए हुए हैं। ठीक है गलती उसकी की है मनीषा की, इनके घर में भाई आंटी नहीं बनी, मनीषा की गलती, इनके घर में भाई साहब बाप ने किसी को पीट दिया, बेटे को पीट दिया, भाई गलती मनीषा की, इनके घर में भाई साहब कोई भी कांड हो गया, इनके घर से भाई साहब बेटा भाग गया, कोई भी किसी की बेटी भाग गई, भाई कांड मनीषा ने किया, मनीषा की गलती है। ठीक है ये सब किसी की टांग टूट गई तो भाई मनीषा की गलती है, यही है ब्रो यही है, तभी मनीषा ही चलती है। खैर एयर होस्टेस आई हैं भाई, वो हम आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो हम आपको बिग बॉस में देखते थे, बिग बॉस में हमारी फेवरेट आप थी, मनीषा कहती है अच्छा और क्या है, क्या सही, आपके अलावा भी हम किसी को देख, ये भाई जब ये बेस्ट एडिटिंग लगी भाई मनीषा ने, जहाँ से ब्लॉग कट किया ना, उसने बोला कि आप भाई टॉप पे थे मेरे फेवरेट, और उसके बाद भाई उसने एक दो का और नाम लिया, अब भाई यहाँ तो आशिका या जिया या पूजा या एलविश या वो अभिषेक, इनमें से किसी एक का नाम लिया होगा, किसी का भी लिया होगा, ठीक है
भाई उसने क्लिप कर दिया कट, और मुझे भाई बहुत जबरदस्त लगा कि भाई व्लॉग किसका है, व्लॉग भाई साहब मनीषा का है, नाम किसका आना चाहिए, मनीषा का। तो इधर उधर वाले किसी को घुसाने की जरूरत नहीं है, अगर नाम इसमें घुसा लेते ठीक है। आई नो बहुत लोग को दिक्कत हो रही होगी कि मनीषा ने भाई फुकरा का नाम कट कर दिया या अल्विश का कर दिया या उसका कर दिया, दिक्कत हो तो हो ठीक है। अगर वो नाम बीच में ऐड कर देते ना तो ये लोग कहते कि भाई फुकरा के नाम पे व्यूज ले रही, उसके नाम पे व्यूज ले रही, तो भाई व्यूज चाहिए नहीं, तुम लोग दिक्कत रखो ब्रो। द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ओके ओके। खैर ये वाला भाई सीन हुआ, उसके बाद कहते हैं हम आपके भाई साहब आपके साथ पिक्चर बनानी, मनीषा कहती है एक क्या चार पिक्चर्स बनाएंगे आपके साथ चार पिक्चर्स बनाएंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो ये सारा सीन हुआ, उसके बाद भाई वो कहती है कि मैं आपका भाई सोशल वर्क भी देखती हूँ, भाई जो सोसाइटी के लिए जो सब चीज़ें करती हैं। तो उसको भाई उसने वो एयर होस्टेस ने, मतलब जो दूसरी एयर होस्टेस थी ना वो डीपली फॉलो करती थी मनीषा को, तो उसने भाई मनीषा के काम को अप्रिशिएट भी किया। ये सारा सीन जब उस वो अप्रिशिएट कर रही थी ना तो भाई अच्छा लगा देख के वो वाला सीन। और उसके बाद भाई मनीषा पहुंचती है सीधा इवेंट पे भाई साहब पैनल में बैठे होते हैं मच्योर लोग बैठे होते हैं। अब मच्योर लोग बैठे हैं उनमें मनीषा भी बैठी है, मनीषा माइक पकड़ के ना भाई बात कर रही है ठीक है, मनीषा माइक पकड़ के बात कर रही है। अब कल किसी ने ना मेरी लाइव के नीचे कमेंट लिखे हुए थे कि मनीषा को बोलो अपने एक्सेंट पे काम करे, अपनी डिक्शन पे काम करे, इस पे काम करे। तो भाई उनको मैं कहना चाहूंगा कि व्लॉग में वो वाला पार्ट देखो जहाँ पे मनीषा भाई वो पैनल के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है और भाई स्पीच दे रही होती है, एक्सेंट प्रॉपर पकड़ा है। जो मनीषा भाई अपना वो क्या बिहारी एक्सेंट यूज करती है ना वो जस्ट जब फन वे में होती है तब यूज करती है, लेकिन अगर वो किसी ऐसी जगह पे बैठी है जहाँ पे प्रोफेशनल लोग बैठे हैं तो भाई वो एक प्रॉपर वे में बात करती है कि भाई मुझे तो फील नहीं हुआ कि हाँ भाई ये कोई बिहारी बात कर रहा है। उसने काफी हद तक भाई इंप्रूव कर लिया है अपना बोलने का तरीका, अपनी डिक्शन वगैरह, अपना एक्सेंट उसने काफी हद तक इंप्रूव कर लिया है। आई थिंक या मैंने ही नोट किया कि तुम लोगों ने भी ये नोट किया है कि नहीं किया, वो जो पैनल वाला सीन है जहाँ पे वो सब बैठे होते हैं वहां पे तो भाई मुझे लगा, बाकी तुम लोगों ने नोट किया कि नहीं तो भाई मुझे बताना। राइट सही है, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ भाई इंटरव्यू में भी अच्छे से बात कर रही थी ऐसे ही। अब नेहा तो बोलो गाली का पिटारा खोलो। अच्छा शबाज भाई बस उसने बड़े में गबा की है थोड़ी, बड़ा बोला कहाँ पे, कहाँ बड़े पे, कहाँ बड़े में ब्रो। अच्छा खैर ये सारा सीन हुआ, उसके बाद भाई कल्चर से रेलिवेंट मनीषा ने चीज़ें बोली कि भाई हमारा जो कल्चर है उस कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें बोली। उसने कहा कि भाई बड़ों की भी इज्जत करना चाहिए, जो हम इधर उधर से हम जितना मर्जी बोल रहे हैं हमें इसका पता हो, लेकिन जो हमें ज्ञान मिलता है ना वो हमें अपने बुजुर्गों से ही मिलता है, जो कि बात भाई मुझे अच्छी लगी। भाई वो लास्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में जा सकते हो क्या, अभी जाके एक कमेंट में 28 रिप्लाईज होगा, उसका सेकेंड लास्ट रिप्लाई देखना ज़रा, अभी देखते हैं सेकेंड लास्ट रिप्लाई, अभी देखते हैं भाई रुको। ऐसा क्या बोल दिया उसने। बाय द वे वीडियो को लाइक कर दो, मैं एक मिनट वो कमेंट चेक कर लूं क्या है, क्या कमेंट वो। उमाशंकर हर मिनट कमेंट पढ़ता हो क्या, उमाशंकर भाई बहुत कमेंट पढ़ता है। कौन सा कमेंट था ब्रो, एक मिनट रुको देखते हैं। अबे किधर गया यार वो, 25 है, 27 तो नहीं है ब्रो, 25 वाला ना, 25 वाला कह रहा है। एक मिनट रुको, ऐसा क्या कमेंट कर दिया भाई। सेकंड लास्ट, कल्चरल इवेंट में मासी का ब्लाउज पहन के नहीं जाते, नॉर्मल कॉटन साड़ी। अच्छा भाई प्रनीता राव जो के भाई उसके मनीष मल्होत्रा ने भाई इसको पार्ट टाइम डिजाइनर रखा हुआ है, बातों से तो यही लग रहा है मनीष मल्होत्रा की असिस्टेंट लग रही है, कह रही है भाई प्रनीता राव कह रही है कल्चरल इवेंट में मासी का ब्लाउज पहन के नहीं जाते, नॉर्मल कॉटन साड़ी भी पहनो बट ब्लाउज खुद की फिटिंग का पहनो। प्रनीता राव भाई साहब, मनीष मल्होत्रा पू ज्ञान देखो भाई कैसे पेल रही है ये, क्या नाम है उसका, सोनम है। कल्चरल इवेंट में मौसी का ब्लाउज पहन के नहीं जाते, नॉर्मल कॉटन साड़ी भी पहनो बट ब्लाउज खुद की फिटिंग का पहनो, तो भाई वो आपका ब्लाउज लेके चली गई थी, वो प्रनीता का ब्लाउज लेके चली प्रनीता, दिक्कत तो होनी है फिर ब्रो, प्रनीता का क्या करेगी ब्रो आप। इस लड़की के ऊपर वाले कमेंट्स भी पढ़ना, प्रनीता का इसके मैंने भी कमेंट्स देखे, प्रनीता मुझे लग रहा है भाई जो मैं नशा कर रहा हूँ ना ये इससे भी कोई हैवी डोज वाला नशा कर रही है प्रनीता, कि भाई सब ब्लाउज फिटिंग नहीं है, ये फिटिंग नहीं है, वो फिटिंग नहीं है,
वो खुद का पहन के जाओ, किसी और का ना पहन के जाओ, तो भाई आपका पहन लिया प्रनीता जी, इतनी क्या दिक्कत हो रही है ब्रो आपको कि ब्लाउज फिटिंग से भी दिक्कत है? मासी वाला नहीं पहन के जाना चाहिए, वो वाला पहन के चाहिए, और आप भाई इधर कमेंट ही कर रही हैं, कमेंट ही कर रही हैं ब्रो। ये तो ऐसे भाई साहब जैसे ये मोदी की ड्रेसिंग ये करती है ब्रो। मोदी आपने वो जो गले में पहना ना, क्या बोलते हैं इसको, साफा टाइप जो भी, वो आपने ऐसे पहनना है ब्रो, ऐसे। मित्रों मोदी को भाई मित्रों बोलना इसी ने सिखाया है कि नहीं? और इसका चेक करो भाई, गंद, मैं अभी इसका चैनल खोला, गंद बकरी है ब्रो मनीषा के बारे में, कि ये भाई इसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मनीषा का इंस्टाग्राम लाइव इसने डाला, मनीषा की ट्विटर स्पेस इसने डाली, मनीषा का फैंस के साथ इंटरेक्शन इसने डाला, मनीषा सपोर्ट भाई मुनव्वर फरूकी फैन, हर भाई इसके भाई जब रिसेंट वीडियो देख लो, हर में एक मनीषा ही है। मनीषा के लाइव पहन के 27,000 व्यूज, 2,000 व्यूज, 5,000 व्यूज, 1,600 व्यूज, और ये आके भाई इधर मनीषा के ब्लाउज पे कमेंटे चल रहे हैं, ब्लाउज फिट नहीं है, ये फिट नहीं है। यार भाई लड़की ही लड़की के बारे में इस तरह के कमेंट्स भाई जब करती है, मैं लड़का लड़की में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भाई कि लोग कहते हैं ना लड़कियां ही आके बाद में कार्ड खेलती हैं, तुझे लड़की से बात करने की तमीज नहीं, तुझे उससे बात करने की तमीज नहीं, तो भाई काम भी तो वो करो ना, काम भी तो वो करने वाले करो। अब भाई खुद ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करती तो आगे हम क्या ही करें। मासी वाह बन के चले शुभाल भाई, और भी कमेंट देखो उसका रिप्लाई से ऊपर वाला, मैंने भाई इसके कमेंट नहीं देख रहे, ऐवे मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा तो फिर भाई ये आगे नीचे लिखती फिरेगी कि शबाज को लड़कियों से बात करने की तमीज़ है। शबाज को भाई तमीज़ नहीं है, शबाज को भाई वो क्या कहते हैं, क्या वो वर्ड क्या होता है यार, क्या यार उसको बोलते हैं यार, वो वर्ड क्या होता है यार, तहजीब, तहजीब शबाज में भाई नहीं है, शबाज में भाई कुछ तहजीब नहीं है, कोई तमीज़ नहीं है, ना लड़कियों से बात करने की, ना लड़कों से बात करने की, और ना परिणीता जैसे से बात करने की। उसका मतलब ये नहीं कि ये लड़कियों में आते हैं, लड़कों में आते हैं, कहाँ भी आते हैं ये भाई, पता नहीं कहाँ पर आते हैं, जहाँ पर भी आते हैं वहाँ ही जाए, वहाँ ही जाए ब्रो। जिसके नाम लेके भाई साहब अपने चैनल पे आप व्यूज़ ले रहे हैं, 27,000 व्यूज़ ले रहे हैं आप, उसके भाई साहब इंस्टाग्राम लाइव डाल के, और उसको भाई आप यहाँ लिख रहे हो मासी है, तो भाई नेक्स्ट लेवल के दोगले, नेक्स्ट लेवल के दोगले ब्रो। आज लोग देख के लगा लोग मनीषा को बहुत जल्द जज करते हैं, ज्योति कह रही है। भाई जज करना यार वो अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह के कमेंट्स तो मैं तो भाई किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये लिखेंगे कि भाई मासी वाला ये पहन के जा रही। शिखा कह रही है कोई अपडेट ही नहीं है, आपको पता है तो बताओ ना, यहाँ सिर्फ खतरों के खिलाड़ी का है भरोसे बैठे हैं। भाई खतरों के खिलाड़ी का भरोसे है शिवाजी, आप तो ये बताओ लप्पू को रखा है? हाँ मैं समझ सकता हूँ यार, बात तो क्या, खतरों के खिलाड़ी में भी मनीषा जाए ना जाए कन्फर्म नहीं है, लेकिन मुझे लगता कि भाई जाएगी ही जाएगी, लेकिन उसके बाद भाई बिग बॉस, बिग बॉस में मनीषा को अभी नहीं जाना चाहिए जितना मुझे लगता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज उसे मिल सकती हैं मूवीज़ की, वेब सीरीज़ की, तो अगर वो बिग बॉस में जाके अपने 3-4 महीने वेस्ट ना ना करे तो, और मूवी मिल जाए, ऑब्वियसली मूवी मिलेगी तो क्यों जाएगी बिग बॉस में, ये तो भाई उस पर ही है ना। अब हमें थोड़ी पता उसको कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या ऑफर मिल रही है, और वो इन चीज़ों में उस चीज़ में वो ज़्यादा घुसी है, वो बेहतर जानती है कि भाई मुझे कौन सा प्रोजेक्ट पकड़ना है कौन सा नहीं पकड़ना, और यही शायद रीज़न है कि उसने भाई 17 नहीं किया, क्योंकि उसे पता है उसकी हाइप कितनी है, और 17 उसने नहीं किया, और जितनी जब 17 करने के वक्त हाइप थी उससे ज़्यादा हाइप अभी भी है मनीषा की, उसकी इंगेजमेंट वगैरह देख लो, हाइप अभी भी बनी पड़ी है, तो मुझे नहीं लगता अभी उसको बिग बॉस करने की ज़रूरत है। अभी वो भाई उसका चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है मनीषा का। एक मिनट रुको, आप कमेंट पढ़ते हैं भाई तुम लोग के, ये जो तुम लोग इधर लिख रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो भाई, यार वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। शहबाज भाई एक और चीज़, आज उसने ड्राइवर की सारी क्लिप्स कट कर दी, एक क्लिप में दिखा हल्का सा, हाँ एडिटिंग का थोड़ा है रोला ब्रो, एडिटिंग का थोड़ा है। विराट तू बोल कर आता है तो मैं अब बोलती, अरे आपस में लड़े भाई, गुंजन आप गुंजन फाड़ रही है ब्रो, गुंजन नेहर का वो क्या कहते हैं जूठा पी के आई है। ऐसे सुपरफिशियल चीज़ों पर क्यों जज करते हैं इवेंट, और उसकी स्पीच पर बात करनी चाहिए। मलबरी गर्ल ने सही बात की है भाई, उसकी स्पीच देखो किस तरह से स्पीच दी है। पहले यही बंदी, ये जो भाई परिणीता नाम की बंदी,
ये बंदी जो मनीषा के नाम पे व्यूज लिए हैं इसने, जो भी सारा चीज है ये भाई, यही बंदी बोल रही थी कि मनीषा को बोलने का ढंग नहीं है कल रात को, ठीक है। आज व्लॉग आया, उस व्लॉग में अच्छा खासा बोल रही है वो मनीषा भाई, फुल एक्सेंट उसने भाई हिंदी में बात करी खूबसूरती से। एक होता ना वो लहजा होता है, तुम लोग तो लहजा बोलते हो, एक्चुअल वर्ड लहजा, वो जो लहजा होता ना प्रॉपर उसने पिक किया लहजा वो वाला, ठीक है, उसमें बोल रही है। अब भाई इधर आके उसी कमेंट के नीचे भाई साहब वो उसको छोड़ दिया कि भाई मनीषा का बोलने का तरीका ये वो, साइड में मनीषा के कपड़े पहनने का तरीका, ब्रो ब्लाउज भाई मासी वाला ब्लाउज पहना, प्रनीता की मासी वाला ब्लाउज पहना भाई, ये लिजाज कहाँ है। आई एम हैप्पी दैट आई ओनली वॉच वन लाइफ दैट इज योर्स एंड आई ओनली फॉलो मनीषा एनबीएस का, एनबीएस मेरे भाई। मनीषा ने एडिटिंग में विशाल की क्लिप्स हटा दी, अच्छा किया, दिखा ही नहीं कहीं भी। मनीषा गुड वर्क, गुड वर्क भाई। शुभाद भाई भांग पी रखी हो, गुंजन कह रही है भांग तो नहीं पी सांपो भाई, भांग से, भांग में वो नशा नहीं है जो सांपों के जहर में है। अंजलि कह रही है आपको आपकी सिस्टर की याद नहीं आती, मैं कितने दिन से लाइव नहीं देखी आपकी। यार अंजलि, अंजलि जी आप सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, काफी लोग आम से मुझको भाई भी कहते हैं, वो इज्जत देते हैं, ठीक है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरे साइड से भाई, इधर आप लोग सब रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है, वो जो हमारा सब्सक्राइबर वाला वो वाला वो जो कनेक्शन है बहुत अच्छा कनेक्शन है, मैं आप लोग की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन भाई मैं दिखावे के लिए ये नहीं बोलता कि भाई वो तुम लोग तो मेरी जान हो। सच बात है भाई, ये सच बात है। आई नो काफ़ी लोगों को बुरी लगेगी, तू मेरी जान है, तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, तू मेरा जीजा है, तू मेरा साला है, ये सब चीज़ें नहीं, ठीक है। मेरे रियल लाइफ में जो भी रिश्ते हैं, ठीक है, वो तो है ही नहीं है यार, क्या बोलूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं इन चीज़ों में ना, मुझे लगता है कि ये भाई बहुत बड़े वर्ड होते हैं, बहुत बड़े वर्ड होते हैं, तो इस वजह से मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ, पर हाँ रिस्पेक्ट है और आप सब भाई प्यार देते हैं उसके, उसका बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं कि प्यार की कदर नहीं है, कदर है, लेकिन ये कि मैं भाई उसमें वो नकली कवर नहीं चढ़ा सकता कि अब मेरी तरफ से भाई तुम लोग के बिना मैं मर जाऊँगा। प्रंजल कह रही मेरा भी कमेंट पढ़ दो जी, पढ़ लिया प्रंजल जी, आपको भी पढ़ लिया, बाकी रिस्पेक्ट है। कल आपने बोला शिव कैसे जीता रियलिटी टीवी स्टार, मतलब आपके हिसाब से शिव डिजर्विंग नहीं था, 5 शोज किए हैं उसने, एक जीता है, प्रणव कह रहे हैं। प्रणव जी वो ना वो था वोटिंग वाला, वोटिंग जो शिव जीता ना वोटिंग वाला था, उसमें भाई वोट 7 कंपेटर कौन है, एलविश है, मनीषा है, मुनव्वर है, अभिषेक है। अब आप खुद ही बताओ कि क्या इन 5ों को रखें और शिव को इन 5 बाकी 4 से ज्यादा वोट मिलेंगे? नहीं ब्रो, शिव को लास्ट में वोट मिलेंगे। उमाशंकर कह रहा है सेकंड चैनल पे कब आओगे, सैटरडे को, क्योंकि कल मैंने शायद कहीं जाना है, तो कल शायद मैं तुम लोग के लिए एक व्लॉग भी बनाऊँ, एक व्लॉग प्रॉपर, ठीक है, और एक व्लॉग मैं एडिट कर रहा हूँ, तो 2 व्लॉग टेंशन ना लो, 2 व्लॉग तुम लोग को मिल जाएंगे 3-4 दिन में, लेकिन लाइव मैं सैटरडे को ज़रूर आऊँगा दूसरे चैनल पर, ठीक है। आप तो मुँहे बड़े बाप के इकलौते बेटे लगते हैं, अपूर्वा कह रही है, इकलौता बेटा भाई मैं इकलौता हूँ, इकलौता ही हूँ, बेटा का पता नहीं पर मैं हूँ इकलौता ही, ठीक है। शिवाज भाई आज अलविशा ने इंटरव्यू में बताया अनफॉलो, वो मैं यार देखा नहीं, मैं देख के फिर उस पर बात करूंगा, मैंने देखा नहीं है। एहसास नहीं कह रहा ऑसम, ओके। मनीषा मजाक मस्ती करती है नो डाउट, बट जब वो मैच्योर वाली बात करती है तो अच्छे अच्छे लोगों को इंस्पायर करती है। शिवाज जी नेहा सही कह रही है, सुष्मिता सबर कह रही है लव यू, थैंक यू सो मच सुष्मिता जी, ओके ब्रो, ओके। आय हाय हम लोग के लिए व्लॉग, उमाशंकर कह रहा है यप ब्रो यप, व्लॉग यार सादे से व्लॉग होंगे, पर हाँ तुम लोग को जो मुझे सिर्फ मुझे देखना पसंद करते हैं उनको अच्छे लगेंगे। शिवाज भाई व्लॉग का रिव्यू कंटिन्यू करो ना, आधा रह गया था आप कमेंट पढ़ने लगे। अच्छा आपको तो कल बहुत मिस किया था जी, रिया कह रही है, ओके। आगे भाई ये सारा सीन हुआ, उसके बाद भाई कल्चर वाले से रेलिवेंट बातें की, बड़ों की इज्जत के बारे में कहा कि बड़ों की इज्जत करो, जो कि भाई बहुत अच्छी चीज़ है कि बड़ों से ही आपने सीखना है ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद भाई प्रेसिडेंट जी आई हैं, प्रेसिडेंट को जूम करके दिखा रहे हैं, प्रेसिडेंट जी कुछ बोल रही हैं, वो क्या नाम है उनका, द्रौपदी मुर्मू जी, मुझे भाई नहीं समझ आई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो, उनके लिए भाई रिस्पेक्ट है। तो ये सब चीज़ें हुई, उसके बाद भाई मनीषा वो इवेंट खत्म हुआ, तो उसने भाई साहब जाना था किधर, पटना शायद जाना था या अपनी बहनों के पास जो जहाँ उसकी बहनें रहती हैं, तो उसने भाई उनको बोला था कि मैं अभी नहीं शायद टाइम कुछ टाइम बाद आऊँगी, लेकिन ये भाई सरप्राइज़ देती है जाके अपनी बहनों को कि हाँ भाई मैं तुम उन लोगों को सरप्राइज़ दूंगी। वहाँ भाई जाती है सरप्राइज़ देती है अपनी बहनों को, वो मिलती हैं बहनें भाई साहब बाद में अपनी, वो उठाती है भांजी को, भांजी से मिल रही है, गले गले लग रही है और बहनें आपस में चिल कर रही हैं और भाई ब्लॉग उधर ही खत्म। शिवाज भाई किस सिटी से हो, पाकिस्तान से हो, रमशा ज़ारा कह रही है। रमशा जी मुझे लगता है जो व्लॉग मैं कल शायद बनाऊंगा उससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैं भाई किस सिटी से हूँ, क्योंकि वो व्लॉग थोड़ा आउटडोर व्लॉग होगा, थोड़ा आसमान के नीचे वाला, तो वो वाला है, तो उससे भाई पाकिस्तान घुमाओ हमको व्लॉग से। हाँ कल दिखेगा, तुम लोग कल नहीं दिखेगा ऑब्वियसली, कल जो व्लॉग बनाऊंगा ना उसमें दिखेगा, वो डालूंगा कब पता नहीं, लोग आएंगे, हाय इंतजार खत्म होगी, व्लॉग ही आएंगे और पता नहीं क्या आएगा ब्रो।
शिवा में कुछ लोग मनीषा के सब मम्मी पापा क्यों बनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो रियल लाइफ में मम्मी पापा नहीं बन सकते। अरे शिवान की कह रही है, अरे शिबाजी आई हेट यू, थैंक यू सो मच। ठीक है ब्रो, ठीक है। एक्चुअली मनीषा की यार एक कमेंट, कौन कह रहा है मेरा कमेंट पढ़ो, रुको देख लेना। अरे मेरा कमेंट पढ़ो, मैंने इस प्रमिता के बारे में बताया था, ये जिया की पीआर ये वाली लप्पू के चैनल पर आती है। अच्छा ये बेली लप्पू के चैनल पे आती है, तभी भाई मैं कहूँ लप्पू वाली बातें क्यों कर रही है ब्रो। यार तुम लोग हंसते क्यों यार, ऐसे मत हंसा करो। शिवाजी क्या बोलते हो, मैंने क्या बोल दिया इसने, ये क्या था। अरे यार यार मुंह से निकल जाता है यार। सोना माला कह रही है, पर तुम यहाँ तो उसी के बारे में गलत, उसकी बारे में गलत बोल रहे हैं ना। किसके बारे में सोना जी, आप नाम लिखा करें ना ऐसे भाई। शबाज रोस्टिंग स्किल्स ऑन टॉप स्वप्निल। तपाशी बैनर्जी कह रही है लाइक करो सब, लाइक करो सब। तपाशी ने बोल दिया ब्रो, तपाशी का फर्स्ट टाइम नाम सुना मैंने भैया। आपको पता है कि अलविश ने दोबारा थोड़ा सा अभिषेक को पोक किया, उसने मुनव्वर को भी किया। वाह शबाज जी क्या तोड़ा है आपने मनीषा के ना हो। ओके ठीक है ब्रो, ठीक है। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, शेयर नहीं लाइक एंड कमेंट करो। शेयर शेयर क्या भाई, जिसने शेयर उससे करोगे जिसको भाई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो उससे शेयर करने का फायदा नहीं। जिसको इंटरेस्ट है वो खुद ही आके देख लेगा, तो वो शेयर करने की जरूरत नहीं है, शेयर करने की जरूरत नहीं है ब्रो। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, बहुत शुभ भाई। ओके ब्रो ठीक है, ओके। हाय भैया आपको पता है, हाँ भाई मुझे पता है। शिबाज भाई आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते। अरसलान एंड फैमिली फाइव, लव टू योर फैमिली। ओके ठीक है। अच्छा भाई अब ना आई थिंक हो गया अपना जो होना था वो। आज तो भाई 46 मिनट का लाइव कर लिए आज। माशाल्लाह मेरी तबीयत भी ठीक है, आवाज़ आई नो, आवाज़ की थोड़ी दिक्कत है, तो उसके लिए भाई प्लीज़ थोड़ा थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए ठीक है। उसके बाद हम कल से और बेहतर तरीके, कल शायद मैं लाइव आ भी ना पाऊँ, हु नोज। स्नेहा कह रही है 8.46 सब्सक्राइबर, वेरी गुड शबाजी। अरे भाई मेरे रोज़ के कम हो रहे हैं, वेरी गुड क्या, रोज़ के कम हो रहे हैं भाई, 10-15 कम हो रहे हैं रोज़ के। एहसास कह रहा है नहीं जाओ। शुभांगी कह रही क्या हो गया था, शुभांगी भाई सब मेरा हो गया था ब्रेकअप, फिर से ब्रेकअप हो गया था भाई, लड़की छोड़ गई मुझे, कहती डाई मैन आई डोंट केयर, फिर से बोल गई ब्रो। तो उसकी वजह से भाई साहब मैं चले गया ट्रोमा में, और फिर भाई ये सब सीन हुए, और उससे मैं भाई 3 दिन लगे निकलने में, और भाई काम एंड पे क्या आया, जिया का जहर, उसने बचाया। माई विशिमा हार्ट इज वेटिंग फॉर अ कंटेंट। लाइव खत्म हो गई नहीं, साहब का जहर नहीं खत्म हुआ आपका। भाई मैं ये पीने लग जाऊं तो तुम लोग फिर बोर हो जाओगे ना। एक मिनट रुको यार, शबाज जी आना कल लाइव, लोगों को आप क्या आपको देखकर सोने की आदत है। ऋचा कह रही है भाई लोगों को आपको देखकर सोने की आदत है, ठीक है भाई मैं तो जैसे लोरी सुनाता हूँ ना। सुष्मिता कह रही है आप मेरा फेवरेट है, थैंक यू सुष्मिता। अरे प्लीज़ कोई कोशिश करना आने की, कल कोशिश करना आने की, हिमानी कह रहा है। ओके यार मैं फिर दिन में आने की कोशिश करूँगा, रात में टाइम नहीं मिलेगा मुझे। आज भी तुमने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, दीपाली जी पढ़ दिया भाई। आप पंजाब से हैं अरसलान भाई, पंजाब से हूँ, लाइव डेली किया करो। ओके स्वप्निल दूसरी लाइव में कह रहे हैं कि मनीषा और जिया दोनों जिम जा रहे हैं खतरों के खिलाड़ी के लिए। भाई मनीषा और जिया अगर खतरों के खिलाड़ी में है ना भाई, मज़ा आएगा देखने में, मज़ा आएगा। मनीषा ठीक है ब्रो। शबाज जी मैं मासी बन गई, शुभानगी कह रही है भाई। सब लोग शुभानगी को मुबारकबाद दीजिए, शुभानगी जी मासी बन गई हैं, मुबारकबाद हो भाई आपको। शबाज जी मानी की स्टोरी देखो यार, अभी नहीं देख पाऊंगा, इंस्टा इधर नहीं है, अभी लॉगिन नहीं है तो वो नहीं होगा। शबाज जी कल जरूर लाइव आना, यज्ञ जी कह रही है। ओके ओके ठीक है, मैं अभी नहीं देख सकता यार, अभी पॉसिबल नहीं है, वो दूसरा भाई इधर है। कॉन्ग्रेचुलेशन मासी। जहर ठंडा करा दिया यार तुम लोगों ने, तुम लोग के चक्करों में जहर ठंडा हो गया। कामना कामना भाई बोलती है इनडायरेक्ट वे में,
पता नहीं लगता मेरे लिए बोल रही है किसके लिए बोल रही है, फिर मैं मुझे लगता है मेरे लिए बोल रही है, फिर मैं कुछ बोल दे तो कहती नहीं सर आपके लिए नहीं ये तो उसके लिए था। अरे भाई उसका नाम लिख के फिर बोलो ना। कुछ लोगों का काम है दूसरों को पोक करना, लेकिन कोई उनको पोक करे तो हमने दिखाया ही क्या, सच्चाई बाहर आ गई। ये देखो मैं बोला ना कामना कैसे लिखती है भाई, समझ ही नहीं आता किसको बोला। स्वप्निल कह रही है आपकी सिंगिंग से शायद गड़गड़ की आवाज आती है। हैं माइक से? अरे भाई माइक तो मैंने डिस्कनेक्ट किया हुआ। ठीक है अपना ध्यान रखना भाई। ओके शुदा जी थैंक यू। ठीक है तो भाई अभी ना अपन क्या करते हैं, अपन ना ये इसका चेक करते हैं इसको हुआ क्या। मानवी कह रही है आपका फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा। भाई पाकिस्तानी ड्रामाज मैं नहीं देखता ब्रो, सच बताऊं तो नहीं देखता। तो बताओ इसकी आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि ये चेक करें एक मिनट फिर चलते हैं भाई, चलते हैं ये एक बार चेक करके फिर चलते हैं। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा। शबाजी को इंडिया न्यूज़ देखते हैं? इंडिया न्यूज़ नहीं भाई, कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट है वही चीज़ें देखता हूँ, लेकिन भाई पाकिस्तानी ड्रामास नहीं सही लगते ब्रो। मुझे पता नहीं क्यों पाकिस्तानी ड्रामास भाते नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं भाते। क्योंकि भाई एक चीज़ बताऊँ, अब तुम लोग कहोगे एक्टिंग है ये है वो है, तुम लोग को शायद मैं नैरो माइंडेड भी लगूँ, अभी है सेम इशू। कोई कह रहा सेम इशू है, खपैच खपैच करता है, तो इसी बात पे भाई खपैच खपैच को बंद करते हैं। ठीक है सब अपना और अपनों का ख्याल रखें, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए भाई वीडियो को लाइक करो, अपना और अपनों का ख्याल रखो। पीसो 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 पीसो।